पास क्या है एक्सप्लिसिट। अब यहाँ पर देखें मुझे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ रहा है। एक्स क्या है यहाँ पर डबल है और मैंने यहाँ पर इसको क्या किया इंटीजर में कन्वर्ट करके एक दूसरे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं यही जो है आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसी को कर लेता हूँ फ्लोट को। ये है भाई मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड सी। मैंने यहाँ पर एंड किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बी कर दिया। अब मैंने क्या किया वापसी ए प्लस सी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पर आरईएस में यानी रिजल्ट में स्टोर कर लिया। अब जब मैंने इसको चलाया या बल्कि मैं एक काम करता हूँ पहले आपको सिर्फ सी का आउटपुट दिखाता हूँ फिर इसको करके देखते हैं ठीक है। सही है। अभी हमने क्या किया सी में इस फ्लोट को कन्वर्ट किया है इंटीजर में। अब जैसे ही मैंने इसको चलाया और आउटपुट हमें क्या मिलेगा आ गया 3.5 को उसने इग्नोर कर दिया। 3 ये आउटपुट दे रहा है ना। हाँ जी कन्वर्जन कर दी। मैंने क्या किया जो बी की टाइप थी उसको किस में कन्वर्ट किया इंटीजर में। मैंने फ्लोट को कन्वर्ट किया है ठीक है। ये हमारे पास ये मैं क्या करूँ ये फोर्सली वो आगे की वैल्यू क्यों देगा ठीक है। यानी आगे जब भी वो राउंड करेगा ना पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को वो इग्नोर करेगा जो उससे पहले की वैल्यू होगी पॉइंट से वैल्यू की बस वो शो करेगा। सही है। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्ट है ठीक है। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है सी में जो आप क्या करते हैं फोर्सली कर रहे हैं यानी आप खुद से बोल रहे हैं कि भाई आपने इस डेटा टाइप में कन्वर्ट होना है ठीक है।